पनीर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पनीर को स्क्वायर पीसेस में काट लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और आधी से भी कम हल्दी पाउडर, इन सबको मैं मिला लेती हूँ। थोड़ा सा तेल डाला है, तेल गरम हो गया है, इसमें ये जो पनीर को थोड़ा भून लेती हूँ। मैं तेल डाला है, तेज पत्ता 4-5, काली मिर्च, लौंग 4-5, 1 चम्मच जीरा। थोड़ी सी 2 टुकड़ा दालचीनी भी डाल दीजिए। जीरा भुन गया है, इसके साथ हम ग्रेटेड किया हुआ प्याज डाल दीजिए और इन सबको भून लीजिए। 3 प्याज है मेरे, ये इनको मैंने पतला पतला काट लिया था, ये देखिए इसको मैं भून रही हूँ। प्याज मेरा भुन गया है, 2 हरी मिर्ची पतली पतली काट के ये भी डाल रही हूँ, इसको भी भून लेती हूँ और साथ साथ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पीस। इसमें मैं 3 टमाटर पिसा हुआ डाल रही हूँ और इसको टमाटर डालते ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर जल्दी गल जाए और अपना साइड से तेल छोड़ दें, मसाला जो है हमारा साइड से तेल छोड़ जाएगा और ये जल्दी गल जाएगा। देखिए अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच में इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डालूँगी और 1/2 चम्मच नमक इसमें और मिलाऊंगी। नमक में पहले भी थोड़ा मिला चुकी हूँ, इसमें थोड़ा सा और मिलाऊंगी और मसालों को भून लूँगी। इसके साथ साथ इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और मसालों को कम गैस पे भून लूँगी क्योंकि मसाले 5 मिनट हो गए हैं, मसाले मेरे पूरे भून गए हैं। अब यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी छोटा कटोरी दही मिला और दही के साथ मसालों को कम गैस पे कम से कम 5-7 मिनट और पका, मसालों को पका। ये मसाले मेरे भून गए हैं, अब इसमें मैं पनीर डालूंगी। मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ऊपर से डालूंगी और इसको भी इसमें मिलाऊंगी। मेरा ढाबा पनीर मसाला तैयार हो गया है। यदि आपको इस तरीके से बनाया हुआ मेरा ढाबा पनीर मसाला पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।